दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे हाल से प्लान। इस सब्जेक्ट के ऐसे ही और भी टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने वह नहीं देखे तो जरूर देखें। इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये हाल से प्लान क्या होता और कहां से आया है। तो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जो सब्जेक्ट है, इसका एक चैप्टर है बेज एंड इंसेंटिव। बेज एंड इंसेंटिव तो वह आपने पढ़ लिया होगा, वहीं से इस प्लान को लिया गया। तो सबसे पहले समझते हैं बेज और इंसेंटिव क्या होते हैं। कोई भी कर्मचारी या मजदूर जो हम काम करते हैं कंपनी में या किसी और जगह, तो हमारे काम के बदले जो हमें सैलरी मिलती है या जो हमें मजदूरी मिलती है, वही क्या कहलाते हैं, बेज कहलाते हैं। क्या कहलाती है, बेज। क्या होता है फिर से समझ ले कि जो हम काम करते हैं किसी जगह मजदूरी बोलते हैं से, या फिर हम कहीं नौकरी करते हैं जो हमें सैलरी मिलती है, मजदूरी के बदले हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट हमें जो भी हमें मजदूरी होती है वह रुपए मिल जाते हैं, और जो हम कर्मचारी होते हैं उनको मंथली क्या मिलती, वेतन मिलती। तो जो वेतन मिल रही है या जो डायरेक्ट डेली रुपए मिलते हैं मजदूरी के बदले, वह वेतन या मजदूरी क्या कहलाती है, बेज कहलाती है, जो कि हमारे काम के बदले मिलती है। अब जो हम काम कर रहे हैं या जो कर्मचारी हमारे मंथली सैलरी पर काम करते हैं, वह जो काम करते हैं उसके बदले नॉर्मली हम जानते हैं फिक्स सैलरी हमें मिलती है। लेकिन कुछ लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, या कह सकते हैं कोई कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वह समय से पहले कर लेते हैं, या कंपनी को अपने काम से कुछ मुनाफा दिलाते हैं, बेनिफिट करवा देते हैं। तो उन लोगों को या फिर ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें कंपनी वेतन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती है, जैसे उन्हें सम्मानित कर देती है, या बोनस के रूप में कुछ रुपए दे देती है, या फिर इंक्रीमेंट दे देती है, या फिर प्रमोशन देती है, जिससे कि वह कर्मचारी क्या मोटिवेट हो और जो कंपनी का बेनिफिट बढ़े। जो कर्मचारी को जिन कर्मचारियों को हम इस तरह कुछ सैलरी के अलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और लोग भी देखकर मेहनत करते हैं, जिससे कंपनी का और भी मुनाफा बढ़ता है। तो ये जो हम सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा देते हैं किसके रूप में, बोनस के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में, या फिर हम किसी को हम सम्मानित करते हैं, ये सब क्या कहलाता है, इंसेंटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसेंटिव। अब जो इंसेंटिव होता है वह अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरह दिया जाता है, या कह सकते हैं कंपनी के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग तरह से मतलब दिया जाता है। तो जो इंसेंटिव देने के तरीके होते हैं उनका अलग अलग प्लान होता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्लान हो सकता है, या फिर कह सकते हैं एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंटों में देने के अलग अलग प्लान हो सकते हैं। तो जो प्लान है इंसेंटिव देने के, वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक टाइप से हाल से प्लान। तो हाल से प्लान के अनुसार किस तरह मोटिवेशन है, जो बोलते हैं हम इसे इंसेंटिव देने के तरीके होते हैं, जिसे हम बेज इंसेंटिव बोलते हैं या बेज इंसेंटिव प्लान बोलते हैं। तो जो बेज इंसेंटिव प्लान है वह देने के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका हाल से प्लान का है। हाल से प्लान क्या कहता है, ये जो थ्योरी के कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे इनको वन बाई वन में समझाऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और इसको एक्सप्लेन कर सके। जब भी हाल से प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो भी यहां पर पॉइंट लिखे इनको एक्सप्लेन कर देना और समझा देना। जैसे कि पहले पॉइंट में बोल रहा है कि आ मिनिमम बेसिक सैलरी इज गारंटी। इस योजना के अकॉर्डिंग किसी की जो सैलरी तय की गई है वो तो आपकी फिक्स है, वो तो मिलना ही है, उसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। आप चाहे अच्छा काम करें या फिर जैसा काम करते जो आपको काम दिया गया वही करें,
तो आपकी सैलरी फिक्स थी, मतलब आपकी जो मिनिमम सैलरी रखी गई उसकी गारंटी वो तो आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझे, क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क। इफ अ वर्कर टेक्स लेस टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, ही इज पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द टाइम सेव। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि जो हम काम करते हैं उसका एक टाइम फिक्स होता है, या हम ऐसे समझ सकते हैं कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है तो उसका एक समय दिया गया कि 2 दिन में 3 दिन में काम करना है या फिर कुछ आवर्स में काम करना है, लेकिन आप उस काम को दिए गए समय से जल्दी कर देते हैं, समय को बचा लेते हैं। क्या करते हैं, समय को बचा लेते हैं, समय से पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो हाल से प्लान कहता है कि वह जो समय बचाएंगे उस समय की आपको क्या एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, एक्स्ट्रा जो भी यहां पर फिक्स किया गया जो भी राशि बोल सकते हैं, रुपए बोल सकते हैं, या वेतन के हिसाब से जो भी राशि तय की गई। अब यहां पर याद रखें कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जो पुराने प्रोजेक्ट रहते हैं, काम होते रहते थे, मान लो कोई प्रोजेक्ट है उसका पहले 1 दिन लगता था या 2 दिन लगते थे पुराने प्रोजेक्टों में, कोई सेम प्रोजेक्ट में जितना टाइम पहले लगा हुआ प्रीवियस ईयर में, उस प्रोजेक्ट के आधार पर तुलना की जाती है कि आपने समय बचाया है या फिर नहीं बचाया। तो इसकी तुलना कैसे की जाएगी, पुराने प्रोजेक्टों के आधार पर या पुराने काम के आधार पर, कि वह काम जो इतने समय में होता था आपने उस समय में इतना समय बचा लिया तो उसका भुगतान किया जाएगा। अब वो भुगतान है या फिर कह सकते हैं जो राशि दी जाएगी आपको, जो अमाउंट दिया जाएगा समय बचाने का, वह किस हिसाब से दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, वह मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट में लिखा डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन प्रीवियसली अवेलेबल प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो मैंने अभी बताया। अब आगे बोल रहा है यहां पर, इंस्टीड ऑफ पेइंग द वर्कर ऑन द टोटल टाइम सेव बाय हिम, एडिशनल पेमेंट बोनस इज मेड ओनली ऑन सम पार्ट और परसेंटेज ऑफ इट। जी नेक्स्ट पॉइंट में वह बोल रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे फोर्थ नंबर का, इसमें बोल रहा है कि जो भी हमारे काम करने वाले हैं लेबर या फिर हमारे कर्मचारी, वह जो समय बचाते हैं उसमें पूरे समय का पैसा नहीं दिया जाता, वह बोनस के रूप में दिया जाता है, लेकिन कुछ अंश, मतलब कुछ जितना हो बनता है उतना दिया जाता, कुछ अंश दिया जाता है। अभी कितना दिया जाता है, कितना पार्ट्स दिया जाता है जो समय बचाया है, वह आगे मैं बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से समझें। तो इस योजना के अंतर्गत बोलता है कि जो भी समय बचाया है उस समय का कितना 33% से 75% तक क्या दिया होता है, शेयर किया जाता है, जिसमें मोस्टली मैक्सिमम कितना रखा जाता है, 50% तक रखा जाता है, जो कि बोनस के रूप में हम क्या करते हैं, वर्कर को पेड करते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमने मान लो टाइम बचाया उसका मान लो 100% मुझे अमाउंट मिला है, लेकिन कंपनी क्या करती है 50% खुद रखती है, 50% तक किसको देती है, कर्मचारी को देती है। समझ में क्या आया, जितना भी समय बचा रहा है उसका जो अमाउंट बनता है उसका सिर्फ 50% तक किसको दे रही है, कर्मचारी को, 50% खुद कंपनी रखती है। इस योजना के अंतर्गत या इस प्लान के अंतर्गत बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं किसी कर्मचारी को, क्या करते हैं 50% उसको देते हैं उस टाइम का जो भी अमाउंट बनता है, 50% खुद कंपनी रखती है। इस योजना को हम क्या बोलते हैं, 50-50 हाल से प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 50-50 हाल से प्लान भी बोलते हैं। कब, जब हम 50 जो जो समय बच रहा उसमें जो अमाउंट हमारा बन रहा है उसका 50% हम किसको दे रहे हैं, बोनस के रूप में कर्मचारी को, 50% खुद रख रहे हैं। तो इस प्लान को हम क्या बोलने रखते हैं, 50-50 हाल से प्लान भी बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, पिछले एग्जाम में ऑलरेडी पूछे आ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझा चुका हूं उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो फॉर्मूला लिखा W इक्वल टू आर टी प्लस पी वाई 100 फिर इनटू आर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस टी, और जब 50-50 हाल से योजना होता है तो उसमें जो पी की जगह क्या लिख देते हैं, मैं यहाँ पर 50 लिख देते हैं, बकाया फॉर्मूला सेम का सेम रहता है जब 50-50 हाल से प्लान की बात होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो आर टी सब कुछ लिखा हुआ है क्या होती है, डब्ल्यू क्या है, जो भी हमारा कर्मचारी उसका क्या होता है श्रमिक का जो सैलरी होती है जो दिए गए टाइम समय में, 4 टी टाइम मतलब होता है जो भी समय वहां पर तय किया गया।
आवार क्या है जी, हमारा आवर्सली बेस रेट पर आवर्स, मतलब एक घंटे में जो रेट तय किया गया वह होता आर, जो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, जो भी हम समय है, एक्चुअल टाइम है पूरा कंप्लीट काम करने में, जो एक्चुअल टाइम रहता है उसको हम टी से डिनोटेड करते हैं। यस क्या है, स्टैंडर्ड टाइम और एक्सेप्ट टाइम। स्टैंडर्ड टाइम रहता है किसी मतलब हमारे प्रोजेक्ट का या किसी काम का, इतने समय में, इतना समय दिया गया, इतने समय में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वह क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन आपको, आपने एक घंटे पहले कर लिया है, जितने भी समय में कर लिया है वह क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल टाइम हो जाएगा। फिर क्या, बोनस परसेंटेज, पी क्या है, बोनस परसेंटेज रहती है, तो पी आपको याद रखना है। तो ये बोनस परसेंट, यहाँ पर पी दिख रहा है, इसकी जगह ये 50% वाला रूल है तो ठीक है, नहीं है कुछ और परसेंटेज दिया है तो वहां पी की जगह हम क्या कर देंगे, वो परसेंटेज रख देंगे। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, वर्कर सैलरी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। उम्मीद है आपको ये जो प्लान समझा रहा था मैं, इस समझ में आ गया होगा। थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझाया है, थ्योरी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।